क्यों हम एक दूसरे से छुपाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपस में मसले मसाइल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्या एक प्रोफेशनल जेलसी का एलिमेंट होता है, क्या अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? प्रोफेशनल जेलसी भी है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट से लेकर आप जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं, एक प्लान डेवलप नहीं कर रही होती. तो जब तक सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, कंसेंसस पे नहीं आएंगे और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं करेंगे, तो आई बिलीव कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में लाना बहुत मुश्किल है. ऑब्वियसली प्रोफेशनल जेलसी बनेगी, लेकिन उसके लिए आपने अपने असेसमेंट सिस्टम को बड़ा ट्रांसपेरेंट. क्या होता है ओपन सैलरी सिस्टम का? क्या ये मतलब है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी दूसरी एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए? क्या ये सैलरी सिस्टम, जो ओपन सैलरी सिस्टम है, पाकिस्तान के इदारों में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? क्या ये बाहर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है? पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ओपन सैलरी सिस्टम को क्या मानती हैं और इंप्लीमेंट कर रही हैं? इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है और अब सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है साइमा रुस्तम. साइमा इज करेंटली वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर ओडी एंड पीपल सक्सेस एट द मून रूम. आइए मिलते हैं साइमा से और जानते हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियन. साइमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. Again, we are here together and welcome on board. Thank you for having me here. Saima, open salary system. जब हम बात करते हैं, जब हम इसको देखते हैं, तो हमारे ज़हन में आते हैं कि हर employee को, जितने भी employees organization में काम करते हैं, उनको salary की बालूमार होनी चाहिए. ठीक है. So ये बताइए कि पाकिस्तान में open salary system जो है, वो implement किया जा सकता है? बिल्कुल. आम फहम जबान में तो हम यही कह सकते हैं ओपन सैलरी सिस्टम को, कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय की, अपने टीम मेंबर की सैलरी का पता हो, सैलरी प्लस बेनिफिट्स का पता हो. और अब हम एचआर की ज़बान में ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें हम रिटेन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड वी कैन लीड देम टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ स्टाइल. अब जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान में होना चाहिए कि नहीं, तो पाकिस्तान के डायनामिक्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, यहाँ पे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके आप सिनेरियो को देखें, तो यहाँ पे सिचुएशन स्लाइटली ट्रिकी है. बट येस, वी कैन ट्राई एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को लेकर चल रही हैं, वहाँ पर इसको ट्राई किया जा सकता है. बट अगेन, इट हैज सम चैलेंजेस जो के बिफोर हैंड फोर्सी करने पड़ेंगे. सही. अच्छा साइमा, जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं, तो लोगों की तरफ से बड़े रेजिस्टेंस आते हैं. आपने अक्सर देखा गया है कि ओपन सैलरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होती है, वो कहती है तमाम ठीक है तुम्हारा, किस तरह सोच रही है कि एक बंदे की सैलरी तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, ये तो नीचे नहीं पता होना चाहिए. तो आप नहीं समझती कि अगर ऐसा सिस्टम हम कुछ इदारों में, जहाँ पर पॉलिसी और प्रोसीजर्स नहीं बने और अगर हम बनाते भी हैं, तो डिस्प्यूट आपस में स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल. जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्रोवर्शियल है, और पाकिस्तान की डायनामिक्स को भी देखें, तो हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं. अनस्ट्रक्चर या स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम हायरिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ऑनवर्ड. जब हम ओपन सैलरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक तो कंपैरिजन बहुत स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडली जो डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस है, वो एक बहुत बड़ा डायलमा है, उसको लेके स्टाफ के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी. तो इसलिए व्हाट आई बिलीव के, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो ट्राई कर सकती है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए और अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज. तो अभी वी आर नॉट रेडी टू यू नो एम्ब्रेस दिस चैलेंज. सही. कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो आप
बताना चाहें, कौन से शेयर करना चाहें कि जिसने ओपन सैलरी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हो? अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं है. आप इसके एग्जांपल ऐसे नहीं कि एक सीईओ कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सैलरी उसकी टीम को पता हो, एक मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि उसके एसोसिएट्स को या उसके टीममेट्स को उसकी सैलरी या उसकी वेजेस का पता हो. तो मेरी नोटिस में तो अभी तक ऐसा इदारा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सर्कुलेट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन. माइंडसेट हमारा बना क्यों हुआ है, क्यों हम एक दूसरे से छुपाते हैं? जिस तरह कि आपने कहा कि डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपस में मसले मसाइल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्या एक प्रोफेशनल जेलेसी का एलिमेंट होता है या अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, प्रोफेशनल जेलेसी भी है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट से लेकर आप जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं, एक प्लान डेवलप नहीं कर रही होती. एक हश हश अप्रोच है जिसकी वजह से एवरीवन बिलीव्स के जी शॉर्ट टर्म गोल्स को तो अचीव कर ले जाए, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ कोई नहीं देखता. तो जब तक सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, कंसेंसस में नहीं आएंगे और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिवेलप नहीं करेंगे, तो आई बिलीव के इसका ऑर्गेनाइजेशन में लाना बहुत मुश्किल है. और इसी वजह से लाना नहीं चाहते लोग, क्योंकि इसमें एफर्ट पुट करना पड़ेंगे, चैलेंजेस होंगे, स्टाफ को आपने मोटिवेट कैसे रखना है. क्योंकि अगर हम इसको टेस्ट एंड ट्रायल बेस पे इंट्रोड्यूस करवाएं तो एक तो रिटेंशन, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इम्प्रूव हो सकता है, मोटिवेशन बढ़ जाएगी. हाँ, बट प्रोस के साथ कॉन्स भी हैं. ऑब्वियसली प्रोफेशनल जेलसी भी बनेंगी, लेकिन उसके लिए आपने अपने असेसमेंट सिस्टम को बड़ा ट्रांसपेरेंट पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपका ये रिलेट करता है आपके अप्रेजल सिस्टम से. तो असेसमेंट पॉलिसीज भी उसी तरह से हमें डेवलप करना पड़ेगी. सो अगेन, इट्स नॉट ओनली ओपन सैलरी कि आप 4A से पहले इनकॉर्पोरेट करवा दें. आप देखें कि आपकी रिक्रूटमेंट टीम, आपकी कॉम्पनसेशन बेनिफिट टीम्स, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम, यानी HR के सारे जो पांचों पिलर्स हैं, दे नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज एज वेल एज द CTR. अच्छा, एक और सिनेरियो है. सैमा, आज आप हमारे साथ बैठी हैं, लकी एनफ मशरी यू सीजन एचआर प्रोफेशनल. सिनेरियो ये है कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि कई इदारों में सैलरी स्लिप्स जो हैं वो मुहैया नहीं की जाती, वो भी नहीं दी जाती. वो कहा जाता है कि ये भी कॉन्फिडेंशियल है, एम्प्लॉय का हक है, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है. ऐसी प्रैक्टिसेस, ऑफर लेटर नहीं दिए जाते, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए जाते. और अब हम यहाँ बात करें ओपन सैलरी सिस्टम की, तो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट. जिसपे गुजरी होती है, जिसपे बीच होती है, उसको पता होता है. हम बताइए कि सैलरी की जो इंफॉर्मेशन है, जो कि एम्प्लॉय का हक है, सैलरी स्लिप्स, वो भी मुहैया नहीं की जाती. ऐसा बहुत सारे इदारों में हो रहा है. आप क्या समझते हैं कि मेन रीजन क्या है? देखिए, अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसको देखेंगे, तो इसकी एक वजह ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो अपने टैक्सेस को बचाने के लिए और अपने रेवेन्यू को प्रॉपर अपनी बैलेंस शीट ना दिखाने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, विच आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस. यहाँ पर देखिए, सिर्फ अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो ठीक नहीं करा, तो बींग एन एम्प्लॉय हम भी कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में आ जाते हैं. तो हम व्हाट आई सजेस्ट के जितने भी वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम ना करें. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद देम, क्योंकि जब हम मौका देते हैं तो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं. यू शुड बी वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एथिक्स, और ये आपका एक हक है. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं दे रहा, देयर आर चैनल्स एंड अथॉरिटीज़ यू कैन अप्रोच एंड डिमांड योर राइट. जब तक आप अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखेंगे, जस्ट फॉरगेट अबाउट द सैलरी यू आर गेटिंग, थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो आपको रिक्वायर्ड है. उसके लिए अगर आप स्टार्ट में ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ये उस माफिया को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसकी इस वक्त मार्केट में अनफॉर्चुनेटली एक अटोनमी चल रही है. सही, थैंक यू वेरी मच सायमा. आई मीन, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, इवन दो इट वाज अ शॉर्ट सेशन. और लेकिन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी पे, एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात की, जो कि मैं आई एम श्योर अबाउट दैट जो हमारे फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, उन्होंने ज़रूर इस चीज़ से जो है वो इस प्रोग्राम से सीखा होगा. And again, credit goes to you. You are a wonderful speaker, sister, and you have contributed a lot. Thank you very much. Thank you so much. आप लोगों का एक बहुत शुक्रिया आज एपिसोड देखने का. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, ओपन सैलरी सिस्टम क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक था. सायमा ने हमें बताया कि जो इदारे ओपन सैलरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको पॉलिसीज प्रोसीजर्स बताना पड़ेंगे. ट्रांसपेरेंसी अक्सर हम अपनी वैल्यूज में लिख देते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट हम होते नहीं हैं. फिर ये भी
बताया गया कि इवन सेल्फी स्लिप्स ऑफ अ लेटर अपॉइंटमेंट लेटर्स भी लोगों को मुहैया नहीं किए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर कोई इदारा ऐसे कर रहा है और आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपका हक है, जो कि आपका राइट है, आपको नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल ये है और साइमन का भी यही ख्याल है कि आपको उस इदारे में काम नहीं करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जा सकते हैं, इवन लेबर लॉस, इवन बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है कि आप अपनी कंप्लेंट्स वहाँ पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट एक्शन उस पर लेती है। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में आकर के लिए इंशाल्लाह के लिए एक नए टॉपिक नए केस के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय।